So we are going to start with the second lecture of sets. Last class में कोई चीज जो पढ़ी थी उसमें कोई doubt है किसी को? कोई concept में कोई दिक्कत? Roster form again. So उज्ज्वल, roster form का मतलब है आप elements को लिख देते हो. जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो लिया है. एक सिनेरियो है जहां पे स्कूल वर्ड के जितने भी लेटर्स है ना, मेरे को उन लेटर्स को एक सेट में रिप्रेजेंट करना है. तो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. पहला, जब आपने सारे एलिमेंट को लिख दिया. दूसरा, जब आपने एलिमेंट को नहीं लिखा, आपने एक प्रॉपर्टी लिखी जिस प्रॉपर्टी से वो सारे लेटर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए. ठीक है, तो जब आप सारे एलिमेंट्स को लिखते हो उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म. और जब आप प्रॉपर्टी बताते हो जिस प्रॉपर्टी से आप उसके एलिमेंट्स को पहचान सकते हो उसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, मृगंक आज ये क्वेश्चन रखा है मैंने. जी उज्ज्वल बताइए. सर आपने कल एक क्वेश्चन दिया था ना, वो 39 वो डिस्कस okay. करूंगा, वो रखा हुआ. ठीक है, उसी यस सर, उसी में रोस्टर फॉर्म में लिखना था एक. अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म है, सॉरी सेट बिल्डर. ओके ठीक है, तो ऐसे मतलब आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का मतलब पता है ना? जैसे यहां पे अगर यस सर. हां ठीक है, तो फिर मैं वहां पे जाता हूं. ओके तो स्टूडेंट्स एक मिनट दीजिएगा. जस्ट म्यूट कर लो उज्ज्वल अभी फिलहाल. तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कल रात को कुछ क्वेश्चंस दिए थे. ठीक है, रिकॉल वाले आसान आसान क्वेश्चन थे, उनका एक बार यहाँ पे आंसर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर. आई होप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने ग्रुप पे मेरा मैसेज देखा होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. राइट, तो मैं सीधा इसके सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुश्किल से 5 मिनट का काम था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर. तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर एम. तो क्या ये एक सेट होगा? सेट का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे हर एक इंसान का आंसर सेम आएगा उस क्वेश्चन के लिए, कह सकते हो एक तरीके से. तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि उन सारे मंथ महीने के बारे में बताइए जो एक साल में आते हैं और जो एम से शुरू होते हैं, जो M से शुरू होते हैं, तो क्या ये सेट होगा स्टूडेंट्स? क्या ये सेट होगा? होगा राइट, बिकॉज इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? इसके अंदर आएगा मार्च और इसके अंदर आएगा मई. राइट, तो सिर्फ दो एलिमेंट है, तो ये प्रॉपरली क्या हो रहा है? दिस इज अ सेट, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास एग्जैक्टली दो ही एलिमेंट आने वाले हैं. ऐसा तो नहीं है कि किसी को लगता है कि सिर्फ मार्च होता है मई नहीं होता है, या मई होता है मार्च नहीं होता है. ओके, सेकंड, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स. क्या ये एक सेट कहलाएगा? टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स. हरिया, एवरीवन टेल मी द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, क्या ये एक सेट कहलाएगा? यस और नो? ऋषंक, मृगंक, सनी, हर्ष, शिवम, उज्ज्वल, शुभम, माला, अमृता, मानस, अमन, आर्यन, परफेक्ट. योर आंसर्स आर करेक्ट. एग्जैक्टली हर्ष. विनय, गलत है यार. द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. क्यों? बिकॉज एक के लिए जो डिफिकल्ट हो वो दूसरे के लिए डिफिकल्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है. राइट, एकदम जरूरी नहीं है. डिफिकल्ट टॉपिक्स तो एक कहीं ना कहीं तो इमोशन वाली चीज हो गई. हो सकता है कि मान लो सेट्स का ही क्लास है. अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसने सेट्स की सारी क्लासेस मिस की है, या आखिरी क्लास कर रहा है, सेट्स की आखिरी क्लास कर रहा है, उसके लिए सेट्स बड़ा मुश्किल लगेगा. लेकिन हो सकता है कोई अगर स्टार्टिंग से बहुत सिंसियरली क्लास कर रहा हो तो उसको दिक्कत नहीं लगने वाली. राइट, तो और ऐसे भी मैथ्स में ऐसा आपको भी पता है कि कुछ चीजें होती हैं जो एक को अच्छे से समझ में आती है दूसरे को नहीं आती. एग्जैक्टली, डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर वन
may not be for others. Next, question number three. Question number three में एक सेट दिया हुआ है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 9 पांच एलिमेंट है और आपसे पूछा गया है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन ब्लैंक स्पेसेस. तो ये हमने एलिमेंट के लिए यूज किया था. तो थ्री में क्या होगा, फोर में क्या होगा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ. थ्री में क्या होगा, फोर में क्या होगा, एक सिंगल मैसेज लिखो, सिंगल मैसेज लिखो और दोनों आंसर्स कॉमा के गैप में डालो. क्या है कि टू हमको यहां पे नहीं दिख रहा है ना, टू हमको यहां पे नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, यहां पे क्रॉस लगा देना है. डज नॉट बिलोंग, टू डज नॉट बिलोंग टू सेट ए. फाइव क्या है, फाइव हमको वहां पे दिख रहा है, फाइव हमको वहां पे दिख रहा है, मतलब फाइव बिलोंग्स टू सेट ए, राइट. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर का आंसर. क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है राइट द सेट ए वेयर द सेट इज इन रोस्टर फॉर्म. तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. अभी आपको एक तरीके से प्रॉपर्टी बताया हुआ है, आपको एक तरीके से उसने सेट बिल्डर फॉर्म में बताया है, सेट बिल्डर फॉर्म से उसको एक कहने के लिए एक तरीके से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले सेट का नाम लिखेंगे. क्वेश्चन कह रहा है x such that x is an integer and x की वैल्यू -1 से 4 के बीच में आएगी, -1 भी चलेगा. x एक इंटीजर होना चाहिए, -1 से 4 के बीच में -1 भी चलेगा. तो उस हिसाब से अगर हम लिखना शुरू करें स्टूडेंट्स, तो पहले -1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, क्योंकि 4 पे इक्वल टू का साइन नहीं है. तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा. कोई दिक्कत यहां तक, एनी प्रॉब्लम स्टिल नाउ इन दिस स्लाइड स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज रेज योर हैंड, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है बताइए. ओके, सो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सेट बी 3, 9, 27, 81 इन सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, अब इसको, इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं. अगर आपको याद आएगा स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने अलग अलग आंसर्स दिखाए थे, वहां पे अलग अलग आंसर्स दिखाए थे स्टूडेंट्स. तो यहां पे अगर उस हिसाब से बात करें, तो यहां पे मान लीजिए मैंने लिखा बी. अब आपको दिख रहा है कि ये जो 3 है, ये 3 पावर 1 हो गया, 3 पावर 2 हो गया, 3 पावर 3 हो गया, 3 पावर 4 हो गया. दिख रहा है ना सबको, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4. तो यहां पे उस हिसाब से क्या लिखोगे आप, यहां पे हम लिखेंगे 3 to the power n. हमारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, 3 to the power n के फॉर्म में है, वेयर n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, एंड n का वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, तो 1 से 4 तक चलेगा, 1 भी होगा 4 भी होगा. तो ये अगर आपने लिखा हुआ है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन आंसर, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन आंसर. अमन कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 less than 82. अमन दैट विल बी रॉन्ग अमन, बिकॉज 3 4 12 होता है, 3 5 15 होता है, 3 6 18 होता है, वो सब आपके सेट में नहीं इंक्लूडेड है ना, वो आपके सेट में नहीं इंक्लूडेड है. ठीक है रिशंक, आई थिंक यू वर ट्राइंग टू राइट डाउन लेस देन इक्वल टू 4. माला आप मल्टीपल ऑफ 3 लिखोगी, तो 3 1 3 होता है, 3 2 दिख रहा है क्या आपको, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 गाइस, दिस इज पावर ऑफ 3. वो जो नंबर्स है वो पावर ऑफ 3 है. ओके हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि आपने 3 to the power 1 से लेके 82 से कम पावर्स ऑफ 3 लिखे हो. विनय कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 विच इज ऑड नंबर. मृगा विनय, मेरे को लग रहा है कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है जो मैंने दिया था, इसलिए अभी आप तुक्काबाजी कर रहे हो. अगर आप ऑड नंबर भी देखते हो विनय, तो 3 3 3 1 3 ठीक है, 3 3 9 ठीक है, 3 5 क्या होगा, 3 5 15 दिख रहा है क्या, 3 7 21 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो होगा क्या, नहीं होगा.
अब इसको अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब जैसे कि चैट में ही ऋषंक ने किया है, ऋषंक ने किया है एक्स सच दैट x is equal to 3 to the power n, where n belongs to natural number and n की जो value है वो 1 से या ऐसे लिख सकते थे कि n की value less than 5 है। ये एक तरीका था element कैसे x के form में, और x क्या है 3 to the power n है, जहां पे n एक natural number होगा और n की value less than 5 होगी, n की value less than 5 होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उज्जवल, किसी को इतना नहीं समझा सकते ना। ओके, सो आई होप यू गाइस आर एबल टू गेट दिस। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या होता था स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है एक्स such that x एक natural number होगा और x की value 3 से 4 के बीच में होगी, दोनों पे equal to का sign नहीं है। तो अगर दोनों पे equal to का sign नहीं है तो आपको पता है कि natural number 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ना ही 3 ले सकते ना ही 4 ले सकते, उसके बीच का पूछा है, उसके बीच में कोई natural number नहीं होता है। तो is this an empty set? The answer is yes, this is an empty set. Reason क्या दोगे? Reason दोगे कि there is no natural number between 3 and 4. There is no natural number between 3 and 4. आते हैं question number 8 की तरफ। X such that x belongs to n and x square is equal to x. X square is equal to x. Is this an empty set? Is this an empty set? सोचिए guys. I think जब natural number बोला है तो आप सबसे पहले किससे शुरू करोगे? आप सबसे पहले 1 रखोगे। 1 देखो तो क्या ये element का होने का condition satisfy कर रहा है क्या? क्या 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर हो रहा है? इफ यस देन दिस विल बी एन एलिमेंट। अगला नेचुरल नंबर रखिए 2, क्या 2 स्क्वायर 2 के बराबर होता है क्या? नहीं, तो 2 आपका एलिमेंट नहीं बनेगा। अगला नंबर नेचुरल नंबर रखिए 3, क्या 3 का स्क्वायर 3 के बराबर होता है? नहीं, तो ये भी एक एलिमेंट नहीं होगा। बट द फैक्ट इज कि कितने हम यहां पे एलिमेंट्स निकाल पाए, ऐसे करके हम कितने एलिमेंट्स निकाल पाए, सो वी वर एबल टू एलिमेंट, वी वर एबल टू गेट हाउ मेनी एलिमेंट, we were able to get one element. B क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 आएगा इसके अंदर, because ये इस condition को satisfy कर रहा है, ये इस condition को satisfy कर रहा है. So is this an empty set? This is not an empty set. This is not an empty set. Okay? I hope you guys are getting this now. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता था याद कीजिए, फाइनाइट वर्ड से ही पता चलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी काउंटेबल, इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। तो क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, क्या ये एक फाइनाइट सेट होगा? शुभम कह रहा है सर अगर अगर रहता ही नेचुरल नंबर x से 1 तो ये भी नल सेट होता। यस शुभम, तब ये नल सेट होता। सो 9 के केस में क्या गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट को गिन सकते हो या नहीं गिन सकते, सो द आंसर इज नहीं गिन सकते, ठीक है। सो दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट सेट। अब किसी के दिमाग में ये सब तो नहीं आ रहा कि काहे नहीं गिन सकते, गिन के दिखाएंगे, हम सब कुछ गिन सकते हैं। है कोई ऐसा महान व्यक्ति, पता चला कि उसने क्या किया, उसने यहाँ पे बड़े बड़े डॉट्स बनाए, ठीक है, उसने क्या किया सोचो, ऐसे ऐसे करके डॉट्स बना लिया और इस तरीके से उसने गिनती करना शुरू किया, दैट विल बी रॉन्ग, है ना। ऋषंक पूछ रहे सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नल सेट एंड एम्प्टी सेट। नहीं ऋषंक, I mean, actually, you should not even get this doubt in your mind because
ये देखो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नल सेट और एम्प्टी सेट, और यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो ये डाउट भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस। क्वेश्चन नंबर 10, सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो गाइस यहां तो एक आएगा, यहां कौन आएगा, कौन है इवन प्राइम नंबर जो नेचुरल नंबर भी है, दैट इज 2। 2 इज अ इवन प्राइम नंबर जो कि नेचुरल नंबर भी होता है कि नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हुआ आर सेट्स ए इज इक्वल टू, आर सेट्स ए इज इक्वल टू -2 से 2 -2 से 2 ये हमारा सेट ए हो गया, और सेट बी क्या ये दोनों इक्वल है। तो गाइस दो सेट को हम इक्वल कब बोलते हैं, व्हेन डू वी से दैट टू सेट्स आर इक्वल, बताओ जल्दी से, हरी अप, टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हेन डू वी से दैट टू सेट्स आर इक्वल, कब कहते हो कि कोई भी दो सेट इक्वल है। मानस बताना चाहोगे कब पता चलता है कि कोई भी दो सेट इक्वल होते हैं, अनम्यूट करके बताइए। यस सर, RHS इक्वल टू RHS। वाह, पिछला क्लास किए थे उसके बाद इतना हाई लेवल आंसर दिए हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया मैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लो लेवल आंसर जहां पे आप बोलते हैं कि सर दो सेट्स इक्वल तब होंगे जब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होंगे। ये सर हो जाएगा अगर -4 को इक्वल टू 0 की इधर कर देंगे तो। मैं LHS इज इक्वल टू RHS, आई वाज सिंपली आस्किंग यू दो सेट्स इक्वल कब कहा जाएगा। सो योर आंसर शुड बी कि सर जब दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स होते तब उनको इक्वल सेट बोला जाता है, बस इतना पूछ रहा था मैं। यस गुलशन, हैंड रेज किया, बताओ। वही सर, जब सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में होता है तब वह इक्वल सेट कहलाता है। अगर आप कह रहे हो कि सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में होता है तो इक्वल सेट कहलाएगा, बट ये भी तो हो सकता है कि सेट बी में शायद कोई ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए में ना दिखे, तब वो सर नहीं होगा इक्वल सेट, तब वह इक्वल। आपका आपका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए इक्वल सेट का, कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए, ठीक है। Yes, sir. So, set A के अंदर तो हमको already element दिख रहा है students -2 and 2. Set B में पूछ रहा है x²-4 = 0. इसको solve करके आपको वहां से जो x निकलेगा that should be an integer. तो अगर आप यहां देखोगे x²-4 को हम a² - b² की तरह treat कर सकते हैं, ठीक है, जिस जो ये बन जाएगा a plus b into a minus b, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज, जैसे अपन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो यहां से x की वैल्यू एक आ जाएगी 2 और एक वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी 2 और एक वैल्यू आ जाएगी -2। तो फाइनली इसके हिसाब से स्टूडेंट्स हमारे पास सेट b के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, देयरफॉर सेट b के अंदर हमारे पास एलिमेंट आ गए 2, -2। सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या थे, -2, 2, तो उधर भी दो एलिमेंट था -2 और 2, यहाँ भी दो एलिमेंट है -2 और 2। ऑर्डर कहीं पे -2 पहले लिखा है, 2 को बाद में लिखा है, यहाँ पे मैंने बी में 2 को पहले लिखा है और -2 को बाद में लिखा है, वो मैटर तो नहीं करता है। तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द आंसर इज यस द सेट्स आर इक्वल। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? Yes, Nigam, ये भी कह सकते हैं same cardinality and same elements. Any problem to anyone? Are you able to get all these? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे फिर। ये हमारे जितने भी questions थे ये एक तरीके से recall हो गया last class के concept के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं नए concept की तरफ, right? अच्छा, तो हमने types of sets में हमने null set देखा था,
हमने सिंगलटन सेट देखा था, हमने फाइनाइट सेट देखा था, इनफाइनाइट देखा था, इक्विवेलेंट देखा था, इक्वल देखा था। एक टाइप ऑफ सेट बचा था अभी, वो था यूनिवर्सल सेट। अभी इस कौन, ये यूनिवर्सल सेट इज एन आइडिया, ठीक है, इट्स एन आइडिया। फाइनाइट सेट में जैसे हम गिनती कर सकते हैं, इनफाइनाइट में गिनती नहीं कर सकते, सिंगलटन में एक एलिमेंट होना चाहिए। वैसे यूनिवर्सल सेट का एक सिंपल सा आइडिया है, वो क्या कहता है, अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, विच हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मान लो स्टूडेंट्स कि हम एक सवाल कर रहे हैं, और एक सवाल में हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर का, ठीक है, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे नेचुरल नंबर का। मान लो कि मृगंक ने सेट ए में लिए है ऑड नंबर्स वगैरह, फिर अपना लेट्स से शुभम ने लिया है प्राइम नंबर्स, लेट्स से अमृता ने लिया है इवन नंबर्स, लेट्स से किसी और ने लिया है मल्टीपल्स ऑफ 5, किसी ने लिया है मल्टीपल्स ऑफ 10। तो इस तरीके से आपने अलग अलग अपने सेट लिए हुए हैं, बट अगर देखा जाए तो अगर आप सबने जो अपना सेट पिक किया हुआ है, उन सेट्स के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अगर नेचुरल नंबर रखा हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ अगर नेचुरल नंबर रखा हुआ है, तो वहां पे नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर वहां पे कहलाएगा सेट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर वहां पे यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है, इट इज एन आइडिया। क्वेश्चन के दौरान हम जिस जिस सेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, उन सेट्स का फादर समझ लो, उन सेट्स के फादर समझ लो, जिसके अंदर हर एक, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में आप चार अलग अलग सेट के साथ डील कर रहे हो, तो उन चार सेट में जितने भी एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट्स का जो एक नया सेट बनाओगे, उन उसे बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। चारों सेट्स को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करके जो नया सेट बनेगा उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। आदित्य यू आर लेट बाय 25 मिनट्स, ठीक है, गुड मॉर्निंग मत बोलो, लेट 25 मिनट आने के बाद गुड मॉर्निंग बोलते हो तो फिर वो एक तो लेट आए हो, ऊपर से बता भी रहे हो कि इनडायरेक्टली हम लेट है। अच्छी बात है आप ग्रीट कर रहे हो, बट द ग्रीटिंग शुड हैपन एट 10 o'clock। यू हैव मिस्ड आउट द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने यहां से दिया था, कॉन्सेप्ट अभी शुरू है, तो फॉर्चुनेटली यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी न्यू कॉन्सेप्ट। जो कल क्वेश्चन दिए थे उसका डिस्कशन हमने कर लिया है। सो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स। जितने भी सेट्स आते हैं, जितने भी सेट्स आते हैं, उन सारे सेट्स के एलिमेंट से जो एक नया सेट बनाओगे उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगला लाइन को पढ़िएगा जरा, एक और डेफिनेशन कह सकते हो, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच ऑकर इन द डिस्कशन is called a universal set and it is denoted by U. मतलब students की जैसे जैसे मैं अभी कह रहा था कि मान लो यहाँ पे मैं चार लोगों का नाम ले रहा हूँ, अमृता ने even numbers pick किया था, अमन ने prime numbers pick किया था, अनामिका ने multiples of 5 pick किया था, आर्यन ने odd numbers pick किया था, गुलशन ने let's say multiples of 10 pick किया था, माला ने powers of 3 pick किया था, मानस ने let's say multiples of ये पावर ऑफ 5 पिक किया था। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने अलग अलग सेट बनाए, ठीक है, आपने अलग अलग सेट बनाए। अब सोच लीजिए स्टूडेंट्स कि वो सारे सेट्स में जो एलिमेंट है, मैंने जितने लोगों का नाम लिया, आपके आपने अपने सेट में जो जो एलिमेंट रखा है, अगर मैं उन सारे सेट्स में जितने भी एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट्स को यूज करके पिक करके अगर एक नया सेट बनाता हो, तो जो नया सेट होगा उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उस यूनिवर्सल सेट के अंदर डिस्कशन में जितने भी सेट हो रहे थे या उस क्वेश्चन के दौरान जितने भी सेट्स इन्वॉल्व थे, उन सारे सेट्स के हर एक एलिमेंट को लाया गया है। तो इस तरीके के सेट्स को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए तो वो आइडिया और क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई द सिंबल यू। यूनिवर्सल सेट को हम जनरली कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं मिलेगा, यू इज नॉट अ सेट ऑफ रियल वैल्यूज। उस क्वेश्चन के दौरान यूनिवर्सल सेट जो भी होता है, जनरली हम उसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टूडेंट्स, सपोज सेट ए कंसिस्ट्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स। मान लीजिए कि सेट ए के अंदर सारे इवन नंबर्स को रखा गया, तो उसके अंदर एलिमेंट होंगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे करके। और एक दूसरा सेट है सेट बी, जिसके अंदर सारे ऑड नंबर को रखा गया, सारे ऑड नंबर को रखा गया। तो
तो सेट ए के अंदर सारे इवन नंबर थे, सेट बी के अंदर सारे ऑड नंबर थे, तो ए और बी के लिए जो यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा वो सेट होगा जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, द यूनिवर्सल सेट यू इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर जगह पे आपको नेचुरल नंबर लेना है, इस क्वेश्चन इस एग्जांपल के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सारे नेचुरल नंबर्स का। इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 टिल डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये इसमें ये एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? शुभम कह रहा है प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल टीचर्स इन अ स्कूल। बिल्कुल, अगर मान लो कि जैसे मान लो कि आप अभी आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप क्लास 5 में हो और आपका छोटा भाई है क्लास 6 में, अब तो आप 11 में आ गए, तो मान लो आप 11 में हो, आपका छोटा भाई है क्लास 10th में, तो आपको जो टीचर्स उस स्कूल में पढ़ा रहे, ठीक है, और आपने उनका एक सेट बनाया, आपके छोटे भाई ने छोटे भाई को जो टीचर्स पढ़ा रहे आपने उनका सेट बनाया, तो अब आप दोनों के सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जो टीचर्स आप दोनों को पढ़ा रहे हो तो उन सबका नाम लिख के जो सेट बनाओगे वो आपका उस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे अभी बात करूं, मेरी अभी क्लास है क्लास 11th में, अभी सौरभ सर क्लास ले रहे हैं 12th के जेई बैच में, नीलम सर क्लास ले रहे हैं 12th के बोर्ड्स बैच में, ठीक है। तो अभी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सौरभ सर पढ़ा रहे 12th के जेई बैच में अभी और नीलम सर पढ़ा रहे 12th के बोर्ड्स वाले बैच में, तो अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनाना चाहेंगे किन स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे, तो वहां पे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ये इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका नाम प्लस सौरभ सर की क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका नाम प्लस नीलम सर की क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका नाम, इन सबके नाम को लिख के जो मैं नया सेट बनाऊंगा वो इस डिस्कशन के दौरान यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। एक दो आगे क्वेश्चंस भी आएगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है देयर इज नो फॉर्मूला टू फाइंड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, वी जस्ट हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स इन अ सिंगल। यहाँ पे एक चीज मिस हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ सेट आएगा, we just have to represent all the elements in a single set which is collectively called a universal set. koi formula nahi hota universal set nikalne ka, discussion mein jitne bhi elements hote hain alag alag set ke, un sare alag alag set ke sare elements ko join karke jo naya set banaoge usi ko bola jayega universal set, theek hai। jaise ki students aapko ye question dikh raha hai, ab aap ek kaam karo is question ko 1 minute ke liye try karo fir main aapko solution batata hu। क्वेश्चन कह रहा है लेट अस से देयर आर 3 सेट्स नेम्ड एज ए बी सी, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी सी दिया हुआ है, ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, बी के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, सी के अंदर कौन कौन एलिमेंट दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है कि ए बी सी का यूनिवर्सल सेट बताइए, ए बी सी का यूनिवर्सल सेट बताइए। यस शुभम बिल्कुल, नितेश सही है, आर्यन सही है, बाकी लोग शिवम करेक्ट, अमन करेक्ट, सनी करेक्ट, शुभम विनय करेक्ट, प्रशंक सही है, उज्ज्वल सही है, हर्ष करेक्ट, अमृता करेक्ट, हर्ष गलती है मेरे ख्याल से, क्या आपने कोई एलिमेंट मिस हो रहा है, विवेक गलत, विवेक कुमार गलत, आई थिंक देयर आर टू विवेक और व्हाट, अच्छा नहीं एक विनय है एक विवेक है, मृगम करेक्ट है, अनामिका, अंकित, आयुष, गाइस आई वांट योर आंसर्स, सौरभ,
रॉबिन, अनामिका गलती, अनामिका आपको यूनिवर्सल सेट बताना है एबीसी का, तो सारे एलिमेंट होने चाहिए आपको, ऐसा सेट बना बताना है जिसमें सारे एलिमेंट हो। अब यहाँ एलिमेंट के फॉर्म में नंबर्स दिख रहा है, तो कहने के लिए आपको ऐसा सेट बताना है जिसमें एबीसी के सारे नंबर्स दिख रहे हो आपको। जैसे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमको वन, आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, यू, यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, आपने पहले ए के एलिमेंट्स को लिख दिया वन, ए के एलिमेंट्स को लिख दिया तो वन, फिर थ्री, फिर सिक्स, फिर एट। अब आप बी के एलिमेंट्स को लिखोगे, जब आप बी के एलिमेंट्स को लिखोगे तो पहला टू है। अब थ्री को हम दोबारा नहीं लिखते, आपको पता है कि हम सेट्स में जनरली रिपीटिशन नहीं करते, क्योंकि थ्री ऑलरेडी एक जगह पे दिख गया है तो हम थ्री को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर फोर, तो फोर हमको सेट ए में नहीं दिखा तो फोर लिखेंगे। फाइव, फाइव हमको सेट ए में नहीं दिखा तो फाइव को भी लिखा जाएगा। फिर आइए सेट सी का, तो अब हमको सेट सी के नंबर्स को लिखना है। सेट सी में पहला नंबर लिखा हुआ है पांच, पांच हमको सेट बी में दिख रहा था, सेट उसको ऑलरेडी हमने यूनिवर्सल सेट में काउंट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे फाइव को नहीं लिखेंगे, एक बार ऑलरेडी लिखा गया है। सिमिलरली एट, एट हमने सेट ए के अंदर ऑलरेडी काउंट कर लिया है, तो हम एट को भी काउंट नहीं करेंगे। फिर आएगा हमारे पास नाइन, नाइन अभी तक हमने नहीं लिखा था तो नाइन को दोबारा यहाँ पे लिखे, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे किसी ने जल्दी जल्दी में सेवन को इंक्लूड कर दिया हो, किसी ने देखा होगा कि अरे वन से लेकर नाइन तक सारे नंबर्स हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन, कोई अगर किसी का आंसर ये भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा लास्ट क्लास में भी बोला था, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है, पहला सेट के एलिमेंट को लिख दिया, दूसरे को लिख दिया, तीसरे को लिख दिया, जहां भी रिपीटेशन हो रहा है उसको दोबारा नहीं लिखा, काम खत्म। यस ऋषंग, यस, बट यू विल अंडरस्टैंड वहां पे क्या होता है कि वो दो सेट्स के बीच में सिंबल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पे गाइस सॉल्यूशन डाला हुआ था, बाय द डेफिनेशन वी नो the universal set includes all the element of the given sets, therefore the universal set of abc will be 1 2 3 4 5 6 8 9. chalo next, pichla concept tha universal set ka, agla concept hai subset and superset. theek hai, ye bhi ek idea hai. agar maan lijiye let a and b be two sets, a aur b ko do set assume kijiye. ab agar ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में दिख रहे हैं, तो उस केस में ए के सारे एलिमेंट अगर बी में दिख रहे हैं तो उस केस में ए को बी का सबसेट बोला जाएगा एंड बी को ए का सुपरसेट बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास जितने बुक्स हैं, ठीक है, आप मान लो ए हो, आपके पास जितने बुक्स है और मेरे पास जो बुक्स है उनको मैंने सेट बी का नाम दिया। अगर आपके पास वो सारे बुक्स प्रेजेंट है जो मेरे पास है, तो उस केस में मुझे आपका सबसेट बोला जाएगा या फिर आपको मेरा सुपरसेट बोला जाएगा। ठीक है, सौरभ ने हैंड रेज किया, यस सौरभ। सर सुपरसेट क्या होता है? जैसे ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे ना, वैसे ही बी को ए का सुपरसेट बोला जाएगा। ठीक है, yes. मतलब अगर आपने ए को बी का सबसेट बोला है तो बी को ए का सुपरसेट कह सकते हो। सिंबल अगर देखोगे तो यहाँ पे सिंबल क्या है, सी जैसा हम सिंबल लिखते हैं। ठीक है, सी जैसा हम कुछ सिंबल लिखते हैं। जी शुभम, बताइए शुभम, हैंड रेज क्यों? हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, कह रहे थे कि अगर ए में एलिमेंट है वन टू थ्री, ए में एलिमेंट है वन टू थ्री, हाँ
और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो सर ए हो गया सबसेट बी का और सर बी सुपर सेट हो जाएगा ना सर, क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट है ए से। हाँ नहीं नहीं, ज्यादा एलिमेंट वाला वर्ड अभी यूज मत कीजिए, अभी सिंपल आपको जो डेफिनेशन समझाया है कि आपको ए, आपने ए में 1 2 3 लिया है, आपने बी में 1 2 3 4 लिया है, तो अभी आपको ए के सारे एलिमेंट बी में दिख रहे हैं, तो आप इसीलिए ए को बी का सबसेट बोलोगे और बी को ए का सुपर सेट बोलोगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ अच्छा, यहाँ पे अच्छा ऋषंक राज एक बार अनम्यूट करना, ऋषंक राज अनम्यूट करना, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, जिसको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं वही अनम्यूट कर पाएगा। ओके अभी मैं दूसरे ऋषंक को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, ऋषंक अनम्यूट करना, ऋषंक। यस सर। हाँ परफेक्ट, सो मुझे बेसिकली इस वाले ऋषंक को रिमूव करना है। हाँ सर। हाँ आपने क्या कहते हैं किसने एडमिट लाइक किससे बात हुई आपकी? अमन सर से। अमन सर से एक काम करना, तो अपना नंबर भेजो तो चैट में, अपना फोन नंबर अभी भेजो। ठीक है ओके, ठीक है ऋषभ राज। देर बाद कंफ्यूजन, एक्चुअली दो दो ऋषभ ज्वाइन किए हुए थे ना, तो इसीलिए वो निकाल दिया उनसे, कोई होगा स्टूडेंट जो इस ऋषभ के नाम से वो कर रहे हैं। चलिए हाँ विनय मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक आपका इंटरनेट का इशू हो गया था। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इट इज जस्ट इन सिंपल आइडिया, देखो विनय आपका इंटरनेट लैग हुआ था, सिंपली अगर ए के अंदर जो जो एलिमेंट दिख रहा है अगर वो सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो उस केस में इस लाइन को पढ़िएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे एंड बी को ए का सुपरसेट बोलेंगे, ठीक है। विवेक मैं बता रहा हूं, विवेक एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, मृगन थोड़ा थम जाइए, थोड़ा थम जाइए, आई हैव ऑल दीज क्वेश्चंस। एग्जाम्पल ए, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4, बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट हमको बी में दिख रहा है तो इसीलिए हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंबल क्या होता है, तो ये जो सी जैसा लिखा हुआ है ना, सी जैसा जो ये लिखा हुआ है इसी को हम सबसेट का सिंबल बोलते हैं, इसी को हम सबसेट का सिंबल बोलते हैं। अब दो तरीके के सिंबल होते हैं, वो अगले स्लाइड में आएगा, एज ऑफ नाउ प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज अ सी जैसा जो शेप है दैट इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां देखोगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या हम बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं? टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स, क्या हम बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं? प्लीज लुक एलिमेंट्स को देखिए, क्या हम बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं? क्या हम बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं? द आंसर इज नो, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी के सारे एलिमेंट अगर ए में दिखते हैं तब जाकर हम बी को ए का सबसेट बोलेंगे, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं दिख रहे हैं, बी के अंदर एलिमेंट है 5 6 7 जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, तो उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि बी
इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, हम बोलेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, और ये सिंबल होता है नॉट अ सबसेट का, ये सिंबल होता है नॉट अ सबसेट, वो सबसेट नहीं है उसका, ठीक है। सुपरसेट तो बोल सकते हो रॉबिन, अगर ए बी का सबसेट होगा, अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी ए का सुपरसेट ही होगा। सिमिलरली अगर मान लो सेट है वाई, वो सेट जेड का, वाई जो है वो जेड का अगर सबसेट कहलाएगा, तो सिमिलरली जेड को आप वाई का सुपरसेट कह सकते हो, ठीक है। हर्ष पूछ रहा है एनी सिंबल फॉर सुपरसेट, द आंसर इज नो। जनरली वो सबसेट वाले से इट्स अंडरस्टैंडेबल कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो हम सबसेट का सिंबल लगाते हैं, तो वहां से क्लियर हो जाता है कि जो राइट में वैल्यू होती है वो लेफ्ट वाले का सुपरसेट होती है। सुपरसेट का कोई सिंबल नहीं होता, सबसेट का सिंबल होता है। उसी से क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स, उसी से क्लियर हो जाता है कि ये जो है सबसेट होगा और ये जो है वो सुपरसेट होगा, उसी से क्लियर हो जाता है एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। अभी एक आता है, जब हमने सबसेट का मतलब समझ लिया तो अब आता है प्रॉपर सबसेट, क्योंकि आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट आएगा कि अगर दो सेट इक्वल है, अगर दो सेट इक्वल है तो किसको किसका सुपरसेट बोला जाएगा और उसके इसमें कैसे लिखा जाएगा। तो गाइस प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए आपका बी का सबसेट है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम ए को क्या बोलते हैं, उस केस में आप ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हो, और तब आप लिखते हो ए सबसेट बी, और वो सिंबल देखो सिंबल है सी वाला। सेकेंड पॉइंट कह रहा है सेट ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर सेट ए आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है तो उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट, और उस केस में आपका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। तो ध्यान से अभी मैं इन सब चीजों के ऊपर बात करूंगा, खाली अगर ये लिखा हुआ है सिंबल तो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, एंड अगर ऐसे लिख के नीचे इक्वल टू जैसा एक बना दिया, मतलब एक लाइन और डाल के, तो ये सिंबल हो जाता है इम्प्रॉपर सबसेट का, ये सिंपल सिंबल हो जाता है इम्प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी पहले दो तीन मिनट सुन लो, उसके बाद आप चैट में लिखो। आई नो यू आर हैविंग क्वेश्चंस बट लेट मी हियर आउट, अभी मैंने कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो मुझे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखने दीजिए तो आपको इस ये आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। मान लो कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 1। अब मुझको बताना है कि कौन किसका सबसेट है, और अगर सबसेट है तो कैसा सबसेट है, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर हम ए और बी को देखें, ए और बी को देखोगे तो ए के सारे एलिमेंट मुझे बी में दिख रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट मुझे बी में दिख रहे हैं, और क्या ए और बी इक्वल सेट है, क्या ए और बी इक्वल सेट है, नहीं। तो अगर आप देखो तो ऊपर जो पहला जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉपर सबसेट में पहले तो आपको ए के सारे एलिमेंट बी में दिखने चाहिए, और बी में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होना चाहिए तब तो सबसेट बनेगा, और जब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में प्रेजेंट ना हो तब उसको आप कहोगे प्रॉपर सबसेट, तब उसको कहोगे प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे जैसे बी के अंदर हमको दिख रहा है 4 जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब अगर हम सेट बी और सेट सी को देखते हैं, सेट बी और सेट सी को देखते हैं, तो सेट बी के अंदर है 1, 2, 3, 4, सेट सी के अंदर है 2, 3, 1, तो सेट सी के जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में मुझे प्रेजेंट दिख रहे हैं,
और सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट सी में प्रेजेंट नहीं है, तो इस हिसाब से ये भी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद आइए सेट ए और सेट सी के ऊपर, सेट ए और सेट सी के ऊपर आइए, तो ध्यान से देखोगे तो सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट है, सेट सी के अंदर भी तीन एलिमेंट है, और तीनों एलिमेंट सेम है, वहां वन टू थ्री है तो यहां टू थ्री वन है, तो खाली चेंज किस में है, एलिमेंट के ऑर्डर में, ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट सी में है और सी और ए और सी इक्वल है, ए के सारे एलिमेंट सी में दिख भी रहे हैं और ए और सी इक्वल है, तो उस केस में आप बोलोगे कि ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, मतलब ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी ये भी बोल सकते हो, और सी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। कोई लोग तो यहां पे चाहे तो ए इज इक्वल टू सी वो तो होगा ही, क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट जो आपको यहां पे जानने को मिला वो क्या पॉइंट मिला, दैट इम्प्रॉपर सबसेट हैपेंस ओनली फॉर इक्वल सेट्स, happens only for equal set. तो बेसिकली जब दो सेट्स इक्वल होते हैं तभी वहां पे इम्प्रॉपर सेट वाली चीज आती है, और अगर दोनों सेट्स नॉट इक्वल है तो वहां पे फिर इम्प्रॉपर सेट कभी नहीं बनता, अगर सबसेट बनेगा तो प्रॉपर सबसेट ही बनेगा वरना नहीं बनेगा, ठीक है। अब आपने सवाल पूछिए, जैसे आदित्य कह रहा है कि सर इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, आदित्य ये तो आंसर मिल गया आपको, उस केस में ए को बी का इंप्रॉपर सबसेट बोला जाएगा एंड बी को ए का इंप्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। विवेक कह रहा है कि सर अगर ए है 1 2 3 4 एंड बी है 1 2 तो ये सबसेट होगा, तो विवेक वहां पे हम बी को ए का सबसेट बोलेंगे, बी को ए का प्रॉपर सबसेट बोलोगे क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में दिख रहे हैं लेकिन ए का कुछ एलिमेंट है जो कि बी में नहीं दिख रहा, तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। फिर उज्जवल कह रहा है वो तो हो गया एक्सप्लेन, रॉबिन कह रहा है जब ए का कोई भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं होगा तो वो सबसेट कैसे होगा, तो रॉबिन उस केस में सबसेट नहीं होगा, तो उस केस में सबसेट नहीं होगा, सबसेट का पहला कंडीशन है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, तो अगर ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा हो है जो बी में प्रेजेंट नहीं हो तो उस केस में आप ए को बी का सबसेट नहीं बोलोगे। माला पूछ रहे कि बी कैसे होगा सी का सबसेट, माला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ना, मैंने लिखा सी इज अ सबसेट ऑफ बी, आप अगर इस स्टेटमेंट को समझ रहे हो, इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ए सिंबल सी, अगर हमको कहीं पे ये वाला सिंबल दिख रहा है ए सिंबल सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट में लिखा हुआ रहता है वो राइट वाले का सबसेट है, इसका मतलब हुआ ए इज अ, इसका मतलब होगा ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो राइट वाले का सबसेट होता है माला, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर अगर आपको दिखे ऐसा लिखा हुआ, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है यहां पे सी लिखा हुआ है तो सी इज सबसेट ऑफ राइट में जो लिखा हुआ है ए, ठीक है। लोगों ने हैंड रेस किया था, यस गुलशन बताइए। सर जिस तरह आप बताए हैं उस तरह हमको लग रहा है सबसेट और प्रॉपर सेट ही है, सबसेट और प्रॉपर सेट एक ही नहीं है, मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया कि जब दो सेट बराबर होंगे तब हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, लेकिन अगर वो सेट अनइक्वल है तभी जाकर प्रॉपर सबसेट का केस आने वाला है। जैसे आप सेट ए और सेट बी को देखिए एक बार गुलशन, सेट ए और सेट बी इक्वल सेट नहीं है, तो ए और ए के सारे एलिमेंट मुझे बी में दिख भी रहे हैं, तो उस हिसाब से ये कौन सा सेट बनेगा, ये बनेगा प्रॉपर सबसेट, ये बनेगा प्रॉपर सबसेट। बोलो जिस तरह आप बताए ना उस समय पढ़ाए थे, जिस
ए का एलिमेंट जो है बी में यदि मिलता जुलता है वह हाँ। सबसेट लेकिन तो, उसके बाद हम लोग पहले हम लोग वो सबसेट का मतलब समझे। हमने उस टाइम पे क्या हमने क्या पढ़ा कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट होगा। अब उसके yes, बाद sir. उसके दो टाइप हो गए, सबसेट के दो टाइप हो गए, एक हो गया प्रॉपर सबसेट, एक हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। तो वो दो टाइप के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन क्या हुआ कि जब ए के सारे एलिमेंट बी में दिखेंगे और साथ में ए और बी बराबर नहीं हो तब वो बोला जाएगा प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर ए के सारे एलिमेंट आपको बी में दिख रहे हैं और ए और बी अनइक्वल है तब उसको बोला जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वैसे फिर से रिपीट करिएगा। जब ए के सारे एलिमेंट हमको बी में दिखते हैं तब हम पहले बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस ओके। अब उसके बाद दो केसेस होते हैं कि प्रॉपर सबसेट होगा या इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये आंसर कैसे करेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन कि ए और बी अगर इक्वल है दोनों सेट तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहलाया जाएगा, और अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो उसको प्रॉपर सबसेट कहलाया जाएगा। यही लिखा हुआ है ना इधर, अगर आप पहली लाइन को पढ़ोगे, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो उस केस में आप बोलोगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सिर्फ सबसेट कब बोलोगे, जब ए के एलिमेंट बी में दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप और अच्छे से आंसर करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि वो प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, आपको बस देखना है कि दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। जहां पे दोनों सेट इक्वल होंगे वहां पे वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, और जहां पे दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे वहां पे वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। बस पीछे वाला सबसेट देखे थे उसमें भी ए इक्वल टू नॉट बी था। सो कहां दिखे हो, कहां देखे हो? यही स्लाइड में एग्जांपल में देखो यहाँ पे कहाँ नॉट इक्वल का दिख रहा है, ए इक्वल टू बी कहाँ है सर इसमें? हाँ, हमने यहाँ बात किया ना, हमने टाइप्स ऑफ प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का बात यहाँ किया, यहाँ पे हमने खाली सबसेट और सुपरसेट का बात किया। पहले हमने समझा कि सबसेट का मतलब क्या है, फिर हमने समझा कि सबसेट के दो कैटेगरीज है यहाँ पे, एक होता है प्रॉपर एक होता है इम्प्रॉपर। बस चलिए, सो आई होप आइडिया इज क्लियर। और कोई डाउट है किसी के, और कोई डाउट है स्टूडेंट्स? You have to be clear in this. मान लो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जो मुझे लग रहा है कि अभी आइडिया इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने पांच सेट लिखे हैं। अब आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे, ए बी का क्या कहलाएगा, देखो सो फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with ये या फिर ये या फिर ये, मतलब या तो proper subset या improper subset या not a subset, आपको यही fill in the blanks करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो रख रहा हूँ, questions रख रहा हूँ।
यस रॉबिन बोले सर ए बी का सुपरसेट नहीं हो सकता। अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी को आप ए का सुपरसेट हमेशा कह सकते हैं, ठीक है। अब मतलब वहां पे रॉबिन ऐसा होगा कि चाहे ए बी का प्रॉपर सबसेट हो चाहे ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट हो, दोनों ही केस में आप बी को ए का सुपरसेट कहोगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन में सुपरसेट दिए हुए हैं। नहीं, सुपरसेट मेरे को नहीं चाहिए, मैं बस कह रहा हूँ कि अभी आप क्वेश्चन में फिल करो कि क्या ये सबसेट है या नहीं है, और अगर सबसेट है तो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, आपको खाली ये आंसर करना है, क्योंकि जहां सबसेट होगा वहीं तो सुपरसेट की बात कहेंगे ना। आप सुपरसेट को क्यों यहाँ पे घुसा रहे हो, आपको देखो कि ये सबसेट है या नहीं। अगर सबसेट है तो सुपरसेट वाली चीज ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी। अभी कोई मैसेज नहीं करेगा क्वेश्चन का आंसर, एक बार में सिंगल मैसेज करोगे। Okay, so this is your question and you are going to answer all these. तब जाके वो मन में सपने में भी फिर सुपरसेट और सबसेट के बीच में दिक्कत नहीं होगी। चलिए सिंबल नहीं होता चैट में, सो आई एम जूमिंग आउट, दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। एक बार आप इसका स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, आप अगर चाहो तो इसका स्नैप देखो। प्रॉपर सबसेट अगेन, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, दो मिनट के लिए ध्यान से सुनो सब कोई। पहले तो आपको क्या देखना है कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है। अगर ए के सारे एलिमेंट, एक छोटा सा यहां पे चार्ट बनाता हूं पहले, फॉर सेट ए एंड सेट बी। सेट ए, और ध्यान से सुनना, एकदम प्रॉपर एक चार्ट बना रहा हूं, फॉर सेट ए एंड सेट बी। अब आपको सबसे पहले क्या करना, चेक करना है check if all the elements of set A are present in set B। सबसे पहले आपको क्या देखना है, check कीजिए कि क्या A के सारे element set B में present हैं। तो जब आप इस तरीके से चेक करोगे, प्लीज यार ये कौन मैसेज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट मैं उस स्लाइड पे आऊंगा, अभी सबको यहां पे ध्यान दो। फॉर सेट ए एंड सेट बी, जब हमारे पास दो सेट है तो, और आपको देखना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं, मेन चीज है ए बी का सबसेट है या नहीं। तो आप सबसे पहले चेक करो कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। अब यहां पर आपके पास दो आंसर आएगा, आपके पास यहां पे दो आंसर आएगा, एक आंसर होगा यस
और एक आंसर होगा नो, राइट। तो अगर आपका आंसर आया नो, अगर आपने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, उस केस में आप सिंपली क्या लिखोगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। उस केस में आपका जो ए है वो बी का सबसेट नहीं कहलाएगा, दैट इज ए, ये सिंबल लगा के क्रॉस कर दिया, यहां बी लिख दिया। लेकिन अगर आपने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें फिलहाल बस इतना पता चला है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आपको क्या करना है, अब आप जानना चाहते हो कि वो प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। तो उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्दर आपको दो स्टेप फॉलो करना है। आपको फिर उस केस में क्या करना होगा, चेक इफ ए इज इक्वल टू बी। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ए का वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं, मतलब ए सेट और बी सेट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो ये इक्वल सेट है कि नहीं, इक्वल सेट और नॉट। अब यहां पे भी आपको दो आंसर्स मिलने वाले हैं, या तो वो इक्वल होंगे या वो इक्वल नहीं होंगे। तो अगर आपको यस आता है इसका आंसर, तो आप क्या लिखोगे, ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर आंसर नो आता है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यहां पे ये बन जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। और यहां पे ये बन जाएगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? ठीक है, आई थिंक इसके बाद तो अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को। पीयूष बेटा, यहां पे मैंने ऑलरेडी इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं, अगर आप देखो तो यहाँ ए बी सी तीन एग्जांपल्स लिए हैं। तो आप देखो कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यस। क्या ए और बी इक्वल है? नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रेड कलर से, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली फिर मैंने बी और सी को देखा, तो सी के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट थे और बी और सी इक्वल नहीं थे, तो इसीलिए सी को बोला गया प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर मैंने ए सी को देखा, तो ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है और ए और सी इक्वल भी है, तो वहां पे लिखा गया ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो इट्स ऑलरेडी हियर। आई थिंक आई गिव मोर देन एनफ टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि इसमें इतना टाइम लगेगा, बट चलो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको कंप्लीट कीजिए। हाँ शुभम, तो बीच वाला जो है सिंबल उसका तो यूज ही नहीं होगा सर इसमें। कौन सा सिंबल सर? वो वही वाला पेज में ही है ना जो भी हटा है, जिसमें क्वेश्चन भी है। अच्छा ये वाला? हाँ सर, वो फिल इन द ब्लैंक्स में जो मिडिल वाला जो है ना सर, उसका यूज ही नहीं होगा। उसका यूज नहीं होगा तो नहीं होगा, ये आपको अभी अनाउंसमेंट थोड़ी करना है। आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने दिया, बाकियों को भी सॉल्व करने दिया हुआ है। एक काम करता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो गाइस, जिसने भी सी वाले ऑप्शन सी सेट वाले सॉल्व किए उसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, सो आई विल गिव यू 5 मिनट्स मैक्स।
आदित्य ने कर लिया, शिवम ने कर लिया, गुड। स्टिल बाकी लोग, दो मिनट और है, ठीक है। ओके चलिए, तो मैं अब आपको यहाँ पे आंसर्स लिखता हूँ, ठीक है, आंसर्स लिखता हूँ। सो ए और बी के बीच में, तो सबसे पहले तो हमको ये दिख रहा है कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट तो नहीं होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है और बी और ए इक्वल नहीं है, तो ये बनेगा एक प्रॉपर सबसेट। तो यहां पे आएगा ये वाला सिंबल, यहां पे आएगा ये वाला सिंबल, तो यहां पे क्या आएगा, नॉट अ सबसेट। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। इज दिस आइडिया क्लियर? Is this idea clear to everyone? This is how we are going to answer. अब A और C को देखिए, तो A के अंदर element है 1, 2, 3, 4, C के अंदर element है 2, 1, 4, 3, तो कहीं ना कहीं same element है, order अलग है, but order important नहीं होता है। Order is not important. What is important? Whether it has the same elements or not. If it is having the same element, so they become equal set. और इक्वल सेट होता है तभी इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो आप ए को सी का इम्प्रॉपर सबसेट बोलोगे और सी को भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट बोलोगे। आई बात समझ में? क्योंकि तब तो ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है और ए और सी इक्वल है, तो ए सी का इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। सिमिलरली सी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है और सी और ए इक्वल है, तो सी भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ये हमेशा आपको दोनों साइड में मिलेगा। अगर ए सी का इम्प्रॉपर सबसेट है तो सी भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा होगा। फिर बात करते हैं ए और डी के बीच में, तो ए का कोई भी एलिमेंट सी में नहीं, ए का कोई भी एलिमेंट डी में नहीं दिख रहा है और डी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल तो ये क्या हो गया, नॉट अ सबसेट। ये क्या हो गया, नॉट अ सबसेट। गेटिंग द स्टूडेंट्स? फिर आते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ वाले में ए और ई को कंपेयर किया जा रहा है, तो ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और E में कहीं ना कहीं एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, तो A के सारे एलिमेंट E में दिख भी रहे हैं और इक्वल भी नहीं है, A सेट और E सेट इक्वल भी नहीं है, तो वहां पे A को प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा और E को नॉट अ सबसेट कहा जाएगा, E को नॉट अ सबसेट कहा जाएगा। फिर आते हैं नाइन्थ वाले पे, B और E को कंपैरिजन में, तो B के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, E के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, तो B के सारे एलिमेंट E में दिख रहे हैं और B और E इक्वल नहीं है, तो उस हिसाब से ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा और ये नॉट अ सबसेट हो जाएगा। 11th पे आते हैं बी और सी की तरफ, तो बी के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, सी के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो बी के सारे एलिमेंट तो सी में दिख भी गए और बी और सी इक्वल नहीं है, तो उस हिसाब से बी सी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और ये नॉट अ सबसेट कहलाएगा। फिर सी और ई को देखा जाए, तो सी के अंदर है 1, 2, 3, 4, ई के अंदर है 1, 2, 3, 4, 5, तो सी के सारे एलिमेंट मुझे ई में दिख भी रहे हैं और C और E इक्वल नहीं है, तो उस हिसाब से C इसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा और जब प्रॉपर सबसेट बनेगा तो ये नॉट अ सबसेट निकल आएगा, राइट? सो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन। एक छोटी सी चीज जो सबने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि सिर्फ एक ही जगह पे
एक ही जगह पे इम्प्रॉपर सबसेट यूज हुआ था तो दोनों जगह आया, ए सी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और सी भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां प्रॉपर सबसेट निकल कर आया है, जहां प्रॉपर सबसेट निकल कर आया है एक साइड में, तो दूसरे साइड में नॉट अ सबसेट रहा। जैसे नंबर वन को देखो, तो नंबर वन में अगर यहाँ प्रॉपर सबसेट आया तो यहाँ नॉट अ सबसेट आया। फिर आप नंबर फाइव को देखो, तो यहाँ प्रॉपर सबसेट आया तो यहाँ नॉट अ सबसेट आया, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो देख सॉल्व करके ही आइडिया क्लियर हो गया, है ना। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? इज दिस क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स? ओके परफेक्ट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। सो अब यहां पे कुछ बेसिक पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि अगर एक सेट, यहां पे आप ए को, एक कोई भी सेट ए है उसको आप खुद का सबसेट कह सकते हो। वो कैसा सबसेट बन जाएगा? वो बस एक इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, वो एक इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। दूसरा, कोई भी सेट है, कोई भी सेट है, अब यहां पे बात हो रही है एक सेट के सबसेट्स के ऊपर। तो एक छोटी सी चीज, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, कोई भी एक गिवन सेट के लिए, कोई भी एक गिवन सेट के लिए स्टूडेंट्स पॉसिबल सबसेट क्या हो सकता है? सो नंबर वन, अगर मान लीजिए कि हमारे पास है सेट ए, हमारे पास है सेट ए जिसके अंदर है एलिमेंट वन टू थ्री, तो अब आप क्या चाहते हो? आपको वो सेट्स लिखने के लिए बोल रहा हूं जो इसका सबसेट हो सकता है। आपको मैं वो सारे सेट्स लिखने के लिए कह रहा हूं जो इसका सबसेट हो सकता है। जैसे अगर हम यहां पे बात करें पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ए के अंदर हमको तीन एलिमेंट दिख रहा है, ए के अंदर हमको तीन एलिमेंट दिख रहा है, तो सबसे पहले आई होप सबको एग्री करोगे कि वन को क्या बोला जाएगा, इसको उसका सबसेट बोला जाएगा या नहीं? टेल मी, इसको वन को वन टू थ्री का सबसेट बोला जाएगा या नहीं? यस और नो? हरी अप, बोला जाएगा। तो जैसे वन को वन टू थ्री का सबसेट बोला जा सकता है, वैसे टू को भी बोला जा सकता है एंड वैसे थ्री को भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज हो गई, ये मैंने एक एक एलिमेंट उठाकर सबसेट बनाया। अब मैं दो दो एलिमेंट उठा के सबसेट बनाऊंगा, दो दो एलिमेंट उठा के सबसेट बनाऊंगा, तो 1,2 पॉसिबल है फिर, एंड 1,3 भी पॉसिबल है, एंड 2,3 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो 1,2 पॉसिबल है, 1,3 भी सबसेट हो सकता था, 2,3 भी सबसेट हो सकता था। टेल मी यस और नो? अगर मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे सवाल पूछूं, यहाँ पे मैंने सेट बी लिखा हुआ है, सेट बी लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 2,3, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए सेट बी को सेट ए का सबसेट बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? सेट बी को सेट ए का सबसेट बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलेंगे ना, बिकॉज सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2 और 3, जबकि सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, तो कहने के लिए ये भी तो सबसेट में आएगा, ये भी सबसेट में आएगा, राइट। तो अभी मैं नीचे क्या करूं गाइस, ब्लू कलर में जो लिख रहा हूं, मैं सेट ए के पॉसिबल सबसेट्स लिख रहा हूं। तो एक बार मैंने क्या किया कि सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट था, तो एक एक एलिमेंट के पहले सेट बनाए, फिर दो दो एलिमेंट के सेट बनाए, उसके बाद तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाऊंगा। लेकिन यार तीन तीन एलिमेंट का कितना सेट बनेगा, क्योंकि तीन एलिमेंट या तीनों को उठा लिए हो तो उसका एक ही सेट बनेगा। तो ये हमारा एक और सेट बन गया जो कि ए का सबसेट कहलाएगा। एक और चीज है,
तो गाइज आप देखो कि हमने सबसेट्स कैसे बनाए, तो हमने एक बार एक एक एलिमेंट करके उठाया, फिर हमने दो दो एलिमेंट करके उठाए, फिर हम तीन तीन एलिमेंट करके उठा रहे। तो एक केस ये भी होता है जहां पे आपने एक भी एलिमेंट नहीं उठाया। जब आपने एक भी एलिमेंट नहीं उठाया तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नल सेट, उसको हम बोलते हैं नल सेट। तो नल सेट भी हर एक सेट का सबसेट कहलाया जाता है मैथ्स में। मैथ्स में हम नल सेट को हर एक सेट का सबसेट कहते हैं। यस विवेक सर, फाई को कैसे सबसेट बोलेंगे, क्योंकि सर फाई में सर नंबर पड़े। आप फाई को डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट है, तो कहने के लिए ये भी तो उसके अंदर काउंट हो रहा है ना एक तरीके से। yes, समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए यहाँ पर इसमें तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नितेश नेटवर्क का प्रॉब्लम है इधर। नितेश नराला आपका नाम होना चाहिए था, नितेश नलायक, समझ रहे हो? लेट की पढ़ाई करना जो है उससे जिंदगी में उन्नति नहीं करोगे आप। निकालता हूं तुम्हें यहां से। आई सीरियसली डोंट लाइक जो लेट के पढ़ाई कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक इससे कुछ काम होने वाला है? विवेक आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन आई गॉट टू नो योर आइडिया। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है? तो अगर मैंने एक सेट ए लिया हुआ है जिसके अंदर के हम सबसेट की बात कर रहे हैं, तो एक सबसेट बना जहां पे हमने ए के तीनों एलिमेंट को उठाया, एक सबसेट बनेगा वो सबसेट बनेंगे जो आपने तीन में से कोई दो एलिमेंट को उठाया, फिर वो सबसेट बनेगा जिसमें तीन में से आपने एक एक एलिमेंट को उठाया, और एक फिर वो भी सबसेट आता है जहां पे आपने कोई भी एलिमेंट नहीं उठाया। इट इज जस्ट लाइक यू कैन से कोई एक नंबर अगर लिखा मैंने आठ, कोई एक नंबर लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक नंबर लिखा आठ। अब आठ में अगर हम आठ के फैक्टर्स की बात करें, तो एक आठ खुद होता है, फिर चार होता है, फिर टू होता है, फिर वन होता है। तो जैसे यहाँ पे वन एक ऐसा नंबर होता है जो हर एक नंबर का फैक्टर कहलाया जाता है, ठीक उसी तरीके से सबसेट को भी क्या बोला जाता है, फाई को भी क्या बोला जाता है, ठीक उसी तरीके फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसलिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है? थर्ड पॉइंट तो इट्स ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल कि इफ ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ए और बी इक्वल होंगे, ठीक है? नेक्स्ट फोर, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सेट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि उससे हम उसके एलिमेंट से कितने अलग अलग सबसेट बना सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा 2 to the power n। मृगंक बहुत बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने, आई एम शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट। ये सिंबल का मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज आप इसके जगह पे ये लिख सकते हो या इसके जगह पे ये लिख सकते हो। ऑल्सो अभी मेरे पास लॉगरिथम वाला, मैंने ये यहां से डिलीट कर दिया, वरना अगर लॉगरिथम की फर्स्ट क्लास देखोगे ना तो वहां पे भी ये सिंबल था और वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था इस चीज का मीनिंग। सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कोई भी सेट जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर आप जानना चाहते हो कि उसके एलिमेंट्स को उठाकर कितने अलग अलग सबसेट बनाए जा सकते हैं, सो द आंसर इज 2 to the power n। जैसे कि पीछे वाला जो क्वेश्चन था जिसमें सेट था a लिया था जिसके अंदर 1, 2, 3 था, तो इस रूल के हिसाब से हमारे कितने सबसेट बनने चाहिए थे? 2 to the power 3 8, इसके हिसाब से बनना चाहिए था 2 to the power 3 8। चलो देखते हैं कि मैंने 8 सबसेट बनाया था यार, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैंने इस सेट के 8 सबसेट बनाए थे। कैसे करोगे? जैसे सबसेट बनाए वो तो आपको समझा दिया था कि तीन एलिमेंट है,
तो एक सेट बना जिसमें तीनों एलिमेंट उठाया, फिर वो सबसेट्स पे आए जिसमें दो दो एलिमेंट उठाए, फिर वो सबसेट्स पे आए हैं जिसमें एक एक एलिमेंट उठाए, फिर वो सबसेट पे आए हैं जहां पे एक भी एलिमेंट नहीं उठाया, ठीक है, जहां एक भी एलिमेंट नहीं उठाया है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर अगले साइड में क्वेश्चन भी रखा है मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ टोटल सबसेट होता है 2 to the power n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होता है 2 to the power n-1, क्योंकि गाइस ये जब हम सेट्स लिखते हैं ना, इसमें एक ऐसा सेट होता है जो वो खुद निकल कर आता है, एक ऐसा सेट होता है जो सेम वही लिखा हुआ रहता है, तो वो तो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो उसको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स अगर उठाए, उसको छोड़कर अगर हम बाकी एलिमेंट्स उठाएंगे तो बाकी हमारे प्रॉपर सबसेट होते हैं और ये मेरा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट है 2 to the power n, और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो हमेशा 2 to the power n में से एक कम कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे 8 हमारे टोटल सबसेट थे और इसमें प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो वो होंगे 8-1, 7। एंड लास्ट पॉइंट, एवरी एम्प्टी सेट phi इज अ प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो phi को छोड़कर ये किसी भी सेट के लिए प्रॉपर सबसेट कहलाया जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके साथ हम क्लास को एंड करेंगे। अच्छा, इनफैक्ट गाइस एक काम करते हैं ना, ये भी होमवर्क के फॉर्म में रखता हूं, जल्दी से पावर सेट 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पावर सेट। पावर सेट में कोई पावर नहीं आता है, ये बस डेफिनेशन है, लेट ए बी एनी सेट। तो एक सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं ना, एक सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं, उन सारे सबसेट का जो कलेक्शन करोगे और जो नया सेट बनाओगे, एक सेट ए के सारे सबसेट्स के कलेक्शन से जो नया सेट बनाओगे, उसको बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। और उसको डिनोट करोगे, पी लिखोगे और ब्रैकेट में वो सेट का नाम लिखोगे जिस सेट का पावर सेट है वो। एग्जाम्पल आपके सामने है, फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। तो अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा था स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर 8 एलिमेंट थे, अब इन 8 इनके अंदर 8 सबसेट्स निकले थे, अब इन 8 सबसेट्स का जो नया सेट बनाओगे, उसको क्या बोला जाएगा, उस नए सेट को बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को, यही चीज लिखी हुई है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट वो सेट के लिए लगाया है और उसके अंदर सारे सबसेट्स को लिख दिया गया है, तो पहले लिखा है 5, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 3, फिर 1, 2, 3। ध्यान से देखिएगा, अंदर सेट्स लिखा गया, अंदर एलिमेंट नहीं है, अंदर सेट्स लिखा गया, सेट से का कलेक्शन से जो नया सेट बनाया गया वो पावर सेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर गाइज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये हो गया, सबका आंसर भी रखा हुआ है, ये होमवर्क है, सोचिएगा इन सब के ऊपर, इसका भी आंसर रखा हुआ है, ये अगला होमवर्क है, इसके अंदर भी क्वेश्चंस रखे हुए हैं, यहाँ होमवर्क है, इसके अंदर भी क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन है, आपको एक्चुअली में इन सबको सॉल्व करना है, और आप इसके आंसर्स जानबूझकर मैंने रखे हैं ताकि आप इसको वेरीफाई कर सको, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन क्वेश्चन देखा पटाक से आंसर देखा, पहले खुद अच्छा ट्राई दीजिएगा और उसके बाद कीजिएगा। स्लाइड के अंदर ही मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम फिर क्लास को एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इन होमवर्क्स का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद नए कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हैं। यस मृगन, जो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड द डिफरेंस बिटवीन phi एंड कर्ली ब्रैकेट phi में अंतर ये होगा कि जब आपने सिर्फ phi लिखा हुआ है तो वो नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जब आपने कर्ली ब्रैकेट में phi डाला हुआ है तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर एलिमेंट है phi। ये क्वेश्चन मैंने मृगन, अगेन आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास, लेट मी चेक। ये देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया मृगन, व्हाट आई एम गेटिंग टू सी इज You are not paying attention. ठीक है? I have discussed the same question out here.
घर जाने के बाद पीपीटी को अच्छे से गो थ्रू करो. इवन इफ यू आर प्रेजेंट इन द एंटायर क्लास स्टिल यू नीड टू गो फ्रॉम द टू द पीपीटी वंस प्रॉपरली बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास. यस गुलशन सर, कल या परसों ग्रुप में क्वेश्चन दिए थे सर, वो बताएं. मुझे वापस से टैग कर देना ना, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम होगा, बस मैं रात को आंसर कर पाऊंगा. अभी थोड़ा सा मेरे पास ब्रेक है, फिर 3 से 9 बजे तक 6 घंटे बैक टू बैक मेरी क्लासेस है. ठीक है, सो आप मुझे उस मैसेज में टैग कर देना, मैं सीधे रात को खोलूंगा ग्रुप, एक बार रात को ग्रुप चेक करूंगा तो मैं वहां डेफिनेटली आंसर कर दूंगा. ओके एंड गाइस प्लीज गो थ्रू द पीपीटीज इफ यू आर कमिंग अक्रॉस क्वेश्चंस लाइक दिस, जो कि हमारी लास्ट क्लास के पीपीटी के ऊपर बेस्ड है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग पीपीटीज. ध्यान से देखो आज की क्लास के लिए मैंने कितना स्लाइड बनाया था. मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचा बीच में होमवर्क से, बट आई वॉज थिंकिंग कि अगर पेस अच्छी रही तो मैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स को भी डिस्कस कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं वहां पे बहुत पीछे हूँ अभी. थोड़ा सा आप लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है. एंड यू हैव टू एटलीस्ट बेयर मिनिमम क्या काम होगा कि आप जो हम पढ़े हुए हैं उसमें से फिर डाउट उस क्लास में खत्म हो या इस क्लास के स्टार्टिंग में हो. अगर आप क्लास के एंड में ऐसा सवाल पूछ रहे हो जो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है, तो वो शो करता है कि शायद आपने लास्ट क्लास की चीज को भी एक बार रिवाइज नहीं किया था. राइट, तो एंडिंग द सेशन हियर, दिस पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन द ड्राइव एंड द लिंक इज ऑलरेडी देयर इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, गो थ्रू इट एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास. आई हैव केप्ट ऑल द सॉल्यूशंस फॉर योर रेफरेंस, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गिविंग एम्पल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स बिफोर लुकिंग इनटू द सॉल्यूशंस टू वेरीफाई योर आंसर्स. जल्दी जल्दी में आंसर मत देखना, अच्छे से अटेम्प्ट करो. जितने मैंने क्वेश्चन डाले, अगर आप उतने का आंसर सारे आंसर सही हो गए, आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द रीजन व्हाई आई हैव केप्ट द क्वेश्चंस इन हियर इज बिकॉज सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत सारे बुक्स में अच्छे से नहीं है उसके क्वेश्चन मिले हुए, तो अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन उठा उठा के मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ताकि सारे अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए और आपको किसी बुक में भी देखने की जरूरत ना पड़े. जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए बुक को देखना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा. ठीक है, एंडिंग द सेशन हियर, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में.